पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के हत्यारे गोल्डी बराड़ के दो शूटर मनप्रीत तूफान और मनी रैया, जो वैसे तो जग्गू भगवान पुरिया के गुर्गे हैं, लेकिन सिद्धू मूसेवाला को मारने के लिए गोल्डी बराड़ ने उन्हें 8वें और 9वें नंबर पर बैकअप में रखा था। लेकिन दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद यह साफ हुआ कि वो भी इस मामले में अपने साथियों के साथ शामिल थे, तो उसकी और उसके साथियों की तलाश अब बहुत तेजी से शुरू हो चुकी है। पहले तो गैंगस्टर तूफान सोशल मीडिया पर आकर सफाई दे रहा था कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या में हम लोगों का कोई हाथ नहीं है, लेकिन अब गैंगस्टर तूफान और मनी रैया पुलिस को आंख दिखा रहे हैं और सोशल मीडिया पर पोस्ट करके पंजाब पुलिस को सीधी सीधी खुली चुनौती दे रहे हैं। सोशल मीडिया के फेसबुक पर डाली गई पोस्ट में मनी रैया की तरफ से लिखा गया है कि जंग सिर्फ जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती, कई बार ये भी बताना जरूरी होता है कि हम अभी जिंदा हैं। सीधे सीधे पुलिस को चुनौती देने के बाद पुलिस का खुफिया विभाग सतर्क हो चुका है। इसके साथ साथ साइबर टीमें भी जांच करने में जुट गई हैं कि ये पोस्ट कहां से डाली गई हैं और जिस आईडी से डाली गई हैं उसका आईपी एड्रेस कहां का है। वैसे आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में गैंगस्टर को बटेंडा छोड़ने और हत्या की पूरी जानकारी होने के मामले में विधानसभा के पूर्व स्पीकर निर्मल सिंह कहलोन के भतीजे संदीप कहलोन को भी गिरफ्तार किया गया था। उसी ने जो तीन गैंगस्टरों को बटेंडा अपने साथी सतबीर के साथ भेजा था, उन तीनों में मनी रैया, मनदीप तूफान और रंजीत थे। बाकी आरोपियों को तो लुधियाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन ये तीनों अभी भी फरार है। कहा तो ये भी जा रहा है कि अमृतसर में जिन दो गैंगस्टरों का एनकाउंटर किया गया था, तो आशंका ये भी जताई गई थी कि गैंगस्टर मनी रैया और तूफान उन दोनों के ही साथ थे और वहीं से फरार हुए थे। इसके बाद से वो लगातार फरार चल रहे हैं। पुलिस को अभी तक उनके बारे में कोई सूचना नहीं मिली है। सोमवार को पोस्ट के बाद पुलिस एक बार फिर से पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी है। अब लगातार टीमें जांच करने में जुटी हुई हैं। इस मामले में पुलिस का कहना है कि पहले भी आरोपियों ने पोस्ट डाली थी। आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। कई इनपुट्स मिले थे, लेकिन आरोपी पुलिस के पहुंचने से पहले ही फरार हो जाते हैं। ये दोनों ही काफी शातिर हैं। बहुत जल्दी ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो पोस्ट आरोपियों ने डाली है उसके जांच के लिए साइबर सेल की टीम की मदद ली जा रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि पोस्ट कहां से अपडेट हुई है। लेकिन बड़ा ही अचरज होता है ये जानकर कि इतना हाई प्रोफाइल केस और इस केस में लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ और जग्गू भगवान पुरिया जैसे कुख्यात गैंगस्टरों तक की सामत आ गई है। दो गैंगस्टरों का एनकाउंटर भी हो चुका है, उसके बावजूद ये दोनों पुलिस को इस तरह से सोशल मीडिया पर खुली चुनौती दे रहे हैं। बहरहाल देखना होगा पुलिस की गिरफ्त में ये दोनों ही गैंगस्टर कब तक आते हैं। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए पीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।